नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, आदा। तो दोस्तों, आपका दोस्त अक्षय देव सिंह एक बार फिर से अपने चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की ये खूबसूरत कहानी आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक औरत थी जो अपने गुस्से से बहुत परेशान थी। वो खुद तो परेशान थी ही, उसके परिवार वाले, बच्चे, पड़ोसी सभी परेशान थे। इसी के साथ साथ उसको एक उसकी मित्र ने महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया। वो दोनों मिलकर महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंची और महात्मा बुद्ध जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें कहने लगी कि महाराज, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे परिवार वाले तो परेशान हैं ही, मेरे पड़ोसी, बच्चे, इसी के साथ साथ मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए, कहने लगे, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी ने अपने थैले से एक शीशी निकाल के दी। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि उसमें कोई औषधि है। वो शीशी उस महिला को दे दी और कहने लगे कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक पानी का गिलास लेके उसमें इस शीशी में से एक चम्मच औषधि निकाल के उसमें पानी में मिलाकर इसको पी लेना और पीने के बाद 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना, कुछ बोलना नहीं है। कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। बहुत खुश थी वो कि आज मेरी समस्या का समाधान होने जा रहा है। खुशी खुशी वो घर आई। उसके बाद जब भी उसे गुस्सा आने लगे या आ जाता तो वो शीशी निकालती, पानी में मिलाती और पी जाती। उसके बाद 10 मिनट तक वो कुछ ना बोलती। समय बीतता गया। वो बहुत खुश थी कि मेरे ऊपर औषधि का असर हो रहा है, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है, अब मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा। आता भी है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उस गुस्से से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। वो बहुत खुश थी। धन्यवाद करने के लिए वो एक बार फिर से महात्मा जी के पास पहुंची, चरण स्पर्श किए और बोली, महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो औषधि दी थी ना, उसने मेरे को बहुत फायदा किया, मेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शांत है, मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूं। महात्मा जी बोले, उसमें औषधि नाम की कोई चीज नहीं थी। वो महिला आश्चर्यचकित रह गई, हैं? ऐसा, औषधि नहीं थी तो फिर मैं ठीक कैसे हो गई, मेरे को गुस्सा अब क्यों नहीं आता? महात्मा जी ने उसका मूल मंत्र बताया कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप 10 मिनट के लिए कुछ मत बोलो, शांत मौन हो जाओ, आप देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे 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 शांत होने लगेगा, आपका मन रिलैक्स होने लगेगा। वो महिला आश्चर्य से देख रही थी कि आज उसको मूल मंत्र पता चल चुका है कि कैसे गुस्सा नहीं आता। बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो अपने घर चली गई। हां तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा?
आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी गुस्सा आए तो हमें चुप कर जाना चाहिए, शांत और मौन हो जाना चाहिए, ताकि वो गुस्सा हमारे ऊपर अपना प्रहार ना कर पाए। तो ये था महात्मा बुद्ध जी का संदेश। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, आपको इस कहानी में से सीख मिली, तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों परिचितों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त अक्षयदीप सिंह आपसे लेता है विदा, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।